बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज साथियों हम इतिहास में जो आधुनिक भारत का इतिहास है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। ये साथियों मेरे पास में कुछ नोट्स है जिनके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ, जो कि है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित। अब साथियों इन नोट्स में आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा या फिर इन नोट्स का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। अब साथियों इस नोट्स के अंदर क्या क्या टॉपिक शामिल किया गया है आधुनिक भारत के अंतर्गत, वो मैं जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। इससे पहले साथियों आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, जो कि आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो वो जानकारी लेने से पहले साथियों सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। अगर साथियों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण गाइड है ये डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की। तो अगर आप सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करके समय का सही तरीके से सदुपयोग करके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये है आईएएस के टॉपर्स नोट्स, इसके बारे में रिव्यू मैं कर चुका हूँ, वो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हो। राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा, इस पुस्तक का रिव्यू किया गया है साथियों। राजस्थान का इतिहास ये भी साथियों हुकुम चंद जैन की एक महत्वपूर्ण गाइड है, इसका भी रिव्यू हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इसका स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्यारी विश्वसनीय गाइड है साथियों। इसका रिव्यू भी आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हो। विपिन चंद्र, जो कि साथियों आधुनिक भारत का इतिहास है, काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है, इसका रिव्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट को विजिट कीजिए। सभी छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये एनसीईआरटी सार महेश कुमार वर्णवाल की, इतिहास से संबंधित, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय गाइड है। विश्व का इतिहास महेश कुमार वर्णवाल, इस गाइड का रिव्यू देखने के लिए भी साथियों आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। किरण पब्लिकेशन के है भारतीय इतिहास, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्यारी और विश्वसनीय गाइड है साथियों, इसको भी आप पढ़ सकते हो। और इन सब को पढ़ने के बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए साथियों आप दृष्टि आईएएस की भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति, इसमें साथियों आपको मिलेंगे 2300 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, इनको प्रैक्टिस करके आप किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हो। कला एवं संस्कृति दृष्टि आईएएस की, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विश्वसनीय गाइड है। कुछ हमारे पास में नोट्स है साथियों, जो टॉफर्स नोट्स आईएएस के, इन दोनों के बारे में भी मैं जानकारी दे चुका हूं, और ये भी इतिहास से संबंधित टॉफर्स नोट्स है। इतिहास के इनमें कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं वो भी जानकारी आपको मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। आधुनिक विश्व का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड है साथियों, इसको भी आप कौन कौन से टॉपिक शामिल है इस गाइड में वो देखने के लिए प्ले लिस्ट में ज़रूर विजिट कीजिए। ये है साथियों यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए इतिहास की एक महत्वपूर्ण गाइड। अब साथियों ये तो इतने गाइड जिनका रिव्यू मैं कर चुका हूँ इतिहास के अंतर्गत, इससे पहले साथियों मैं ज्योग्राफी के लिए 22 पुस्तक का रिव्यू कर चुका हूँ, और आपको इंडियन पॉलिटी के लिए भी 22 पुस्तक का रिव्यू मिल जाएगा हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर। जल्दी साथियों इंडियन इकोनॉमी से संबंधित भी आपको रिव्यू बुक का मिलने वाला है। तो अगर साथियों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब साथियों ये जो नोट्स है मेरे पास में, इसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। ये कब संभव होगा साथियों? जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, बार बार रिविज़न करेंगे, तब जाकर ये सब कुछ संभव होने वाला है। तो यहां पर साथियों आधुनिक भारत का इतिहास में सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्रम वाइज आपको इस नोट्स के माध्यम से मिलेगा। पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, इन कंपनियों का आगमन देखेंगे। उसके बाद में कर्नाटक युद्ध और उनका महत्व देखेंगे साथियों। फ्रांसीसियों की जो पराजय का कारण है उसको हम देखने वाले हैं। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आप देखिए ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार इसमें समझाया गया है।
बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब, अवध और सिंध जो प्रांत थे, इन प्रांतों के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। उसके बाद में साथियों मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वो है ब्रिटिश साम्राज्य प्रसार के बारे में और ब्रिटिश प्रशासनिक संरचना और उनकी नीतियों के बारे में। द्वैध शासन प्रणाली क्या थी उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है साथियों। कंपनी का जो शासन था भारत में कब से कब तक रहा, कब समाप्त हुआ, वो पूरी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। उसके बाद में सहायक प्रणाली जो संधियां थी, डलहौजी की नीतियां, उनके बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद में देसी रियासतों के प्रति जो नीतियाँ थी उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। सिविल सेवा, न्यायिक व्यवस्था क्या थी उसके बारे में जानकारी दी गई है। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां क्या थी उस समय की, वो जानकारी दी गई साथियों। भू राजस्व नीतियां, कृषि का वाणिज्यकरण उसके बारे में जानकारी दी गई। हस्तशिल्प का पतन कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण रहे, वो भी पूरी जानकारी दी गई साथियों। औद्योगिक नीति, रेलवे और उसके बाद में अकाल धन की निकासी, ये पूरी जानकारी आपको इन नोट्स के माध्यम से मिलने वाली है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर आप देखेंगे ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ, इनके बारे में जानकारी दी गई है। विकास के प्रमुख चरण और इनके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। ब्रिटिश शिक्षा नीति, फ्रेश नीति, ईसाई मिशनरियाँ जो थी भारत में आई थी उनके बारे में भी यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इनके बारे में जानकारी दी गई। उदय के कारण, स्वरूप, प्रभाव, इनके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। उसके बाद में साथियों कुछ महत्वपूर्ण जो विद्रोह हुए थे भारत के अंदर, चाहे वो जनजातीय विद्रोह हो, किसान विद्रोह हो, या फिर 1857 का महत्वपूर्ण विद्रोह हो, उन सब के बारे में जानकारी आपको इस नोट्स के माध्यम से मिलने वाली है। राष्ट्रीय आंदोलन, उद्भव, कांग्रेस की स्थापना, इनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। संवैधानिक विकास, स्वतंत्रता के पश्चात का भारत, यानी 1947 से लेकर 1964 तक इस पुस्तक में पूरी जानकारी दी गई है विस्तार के साथ। आशा करता हूं साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इन नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, और अगर आपको इनके अलावा किसी भी प्रकार की जितनी पुस्तक मैंने वीडियो के प्रारंभ में दिखाई थी उनसे संबंधित किसी भी पुस्तक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिए। इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, इन सब पुस्तक का रिव्यू साथियों आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक से हमें ऊर्जा मिलती है, हम मोटिवेट होते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, और हमारी एनर्जी का स्रोत आप हो जो इस वक्त मेरा वीडियो देख रहे हो। इसलिए साथियों इस एनर्जी को इसी प्रकार बनाए रखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।